राशि का अगला साल क्यों देख रहे हो? वृश्चिक राशि अगला साल अष्टम में गुरु जाएगा और शनि आपका पंचम में जाएगा, पनौती लगेगा, जिस काम में हाथ मारोगे वो खत्म हो जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड पंचम का शनि क्या होता है? पंचम का शनि के बारे में कोई समझ है आपको? सोना पकड़ा दो उसको चूना बना के रख देगा। आदमी बेवकूफ बनता है, मूर्ख, महामूर्ख, गजमूर्ख, मूर्खाधिराज, सुपर मूर्ख। लोग यूटिलाइज करेंगे और पाछू में लात मार देंगे आपका। समझ में नहीं आएगा कि मेरे को यूज हो रहा है या मैं यूज हो रहा हूं। पनौती एक ऐसा चीज होता है, 5-30 साल में एक बार आता है, जो साढ़े साथी ढैया कंटक सन्नी से भी खतरनाक होती है, लेकिन पता चलने नहीं देता है। तो जो शनि जैसे बड़ा प्लैनेट आपके लिए सुइटेबल नहीं है, उस समय राहु अगला साल में चेंज करके चार घर में आएगा। चार का राहु क्या करता है? ब्लड प्रेशर, मेंटल टेंशन, फियर फोबिया। तो बताओ, हाउ आई अलाउड वृश्चिक राशि अगला साल कैसा रहेगा? तब तक दशम में जाके, अभी तो आपका एकादश में है, दशम में केतु पहुंच गया होगा, 4-10 का एक्टिविटीज। तो आपके कर्म क्षेत्र में केतु केत छुड़ाए खेत, और आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, है कि नहीं? तो ये सुइटेबल पीरियड वृश्चिक के लिए एटलीस्ट नहीं है मेरे दृष्टि में। अभी जो है उसको संभालना है, और बिना बड़ा इन्वेस्टमेंट का जो भी बिजनेस करना चाहिए करिए। ऋण मत लीजिए, बीबी बच्चा के नाम पे कुछ भी मत रखो, आपके कुंडली के अनुसार और आपके हालत के अनुसार। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर इतना कहूंगा, फर्स्ट मेक योर सेल्फ स्ट्रांग। और उस स्ट्रांग के लिए क्या बताया? नृसिंह साधना, नृसिंह कवच। और हाँ, बोलिए बोलिए।